राजगढ़ उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत सकट के यादव मोहल्ला मलखालाबास में कुछ व्यक्तियों के रास्ते की भूमि को जोतकर वे तारबंदी करके बंद कर दिया, जिसके कारण वहां आसपास रहने वाले लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि यह रास्ता सकट गांव से होता हुआ नारायणपुर गांव के मलखालाबास को जोड़ता हुआ नया बासी मोहल्ले तक जाता है, लेकिन वहां रहने वाले एक परिवार ने इस रास्ते की भूमि को जोतकर और तारबंदी करके बंद कर दिया और रास्ते पर अतिक्रमण कर लिया। ग्रामीणों ने इस अतिक्रमण को हटाने के लिए जिला कलेक्टर, उपखंड अधिकारी, तहसीलदार को अनेक बार शिकायत करने के बाद भी कोई समाधान नहीं हुआ। स्थानीय ग्रामीण विश्राम, सुनीता, छोटेलाल यादव, हरिनारायण आदि ने बताया कि हमारे मोहल्ले से सकट गांव तक जाने का एकमात्र रास्ता है। इस रास्ते को बंद हो जाने से रोजमर्रा का सामान लाने के लिए बच्चों को स्कूल जाने का रास्ता बंद हो गया, जिससे वहां रहने वाले स्थानीय निवासियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने उपखंड प्रशासन से जल्द अतिक्रमण हटाने की मांग की है। इधर उपखंड अधिकारी राजगढ़ ओम प्रकाश मीणा ने बताया कि सकट गांव के ग्रामीणों ने एक पुराने रास्ते में काश्तकार द्वारा रास्ते को बंद कर अतिक्रमण करने की शिकायत की। शिकायत पर तहसीलदार को मौका मुआयना के लिए भेजा, लेकिन रास्ते का मामला उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। कोर्ट का निर्णय आने के बाद नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। ये रास्ता का मामला है साहब, हम तो इसको हमसे जन्म लिए जब शुरू हमारा बुजुर्ग भी यही दिखता है कि पुराना कुआ भी आगे चल रहा है, पुराना कुआ भी चूड़ी पे नहीं हो जाता देखा। ये रास्ता किसी पार्टी ने जब जमीन का बदला किया तो लिख रखा है इस काम में। यहाँ पे प्रशासन आया तो आपसे क्या कह गए? प्रशासन तो आए बोलते से दीवार के बाद प्रशासन में मरवा रहे। आप किस किस के पास गए हो वहाँ पे? प्रशासन साहब के जन गया, तहसीलदार के साथ गया और अलवर भी गए, जयपुर भी गए। क्या नाम था? हरिराम यादव। क्या मामला था? रास्ते का साहब है, जो हमारे बड़ा बुजुर्ग जाता है, हम भी जाते हैं और आप आगे खातेदारी का नाम लेते हैं, बार बार आ जाते हैं, चले जाते हैं, मौका देकर कुछ नहीं करते हैं। इस मेरे के खातेदारी मार रहा है, दिखा रहा है, पुराना रास्ता भी है, नया भी रास्ता हो गया, आप चढ़ गया और फिर जिसको नहीं खोल रहे। हमारे बालक स्कूल में जाने से परेशान हो रहे, हमारा नेट मुंह बंद कर दिया, कहीं रास्ता ही नहीं है, चारों तरफ से बिल्कुल रोक दिया, और जो जीवन होगा हमारा जन्म। आपने कहाँ कहाँ पे गए हो? आपने हमने सब जगह जो प्रशासन को जा रहे एप्लीकेशन देते, सब कोई नहीं सुनता है। राजगढ़ में दे दी, SDM साहब को दे दी, जिला कलेक्टर साहब को दे दी, ADM को दे दी, CM हाउस अलवर जयपुर भी दे दी, सब कोई नहीं सुनता है। अभी कोई जगह दे रखी जोरी साहब के ने जाए, MLA साहब कांती साहब के ने भी जाए, कोई नहीं सुनता है। और अब क्या करें, कौन सर आते हैं देख के चले जाते हैं, कोई कुछ सुनता ही नहीं है जो कोई है जो, और हमको परेशान हो गया, हमको तो बिल्कुल ही जेड़ कर रखी है यहाँ पे। कौन सा यादव? क्या मामला था? ये रास्ता का मामला है साहब। तो क्या कहिए? ये रास्ता खुलवा जी टाइम सारी जगह डोल लिया था, हमें खुद दिन होगा डोलते डोलता, पर साल भर उसको सुनता ही नहीं सुनता। रास्ता बंद हो गया, हम परेशान हो रहे हैं। नाम क्या आपका? छोटेलाल यादव। अच्छा, क्या? और हमारे बच्चे सब हम परेशान हो रहे हैं, कहीं जाने आने को हम बंद हैं, बिल्कुल एक तरह का जेल कर दिया हमको, और हमारी कोई प्रशासन सुनता। तो लेके आप आए हो तो इस रास्ते के लिए कह रहे हैं कि अपने SDM साहब ने खादा जमीन था, खादा जमीन सकट में एक कुछ ग्रामीणों ने मुझे अवगत कराया था कि एक रास्ता जो पहले से चालू था उसको किसी खातेदारों ने बंद कर दिया है। उसके बारे में मैंने तहसीलदार को मौके पर भेजा था, तहसीलदार जी ने मौका उसका देखा है, परंतु इसके संबंध में मामला उच्च न्यायालय में विचाराधीन है, उसमें जो भी निर्देश प्राप्त होंगे और कोर्ट का निर्णय होगा उसके अनुसार कार्रवाई की।